कानपुर सेंट्रल पर मानसिक विक्षिप्त युवक की वजह से नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटा 5 मिनट खड़ी रही। युवक ने पार्सल यान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और काफी देर तक नहीं खोला। इस दौरान यात्रियों ने जमकर हंगामा भी किया। इसके बाद जीआरपी और रेलवे के कर्मचारियों ने गेट काट कर युवक को बाहर निकाला। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मची रही। आपको बता दें, लखनऊ से होकर कानपुर के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस सोमवार को अपने निर्धारित समय पर आई थी। इस दौरान पार्सल रखने के लिए बोगी को खोला गया। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक डब्बे में चढ़ गया। जब ट्रेन के चलने का समय हुआ तो गार्ड ने उसे उतारने की कोशिश की, पर वह नहीं उतरा। इस संबंध में डिप्टी सीटीएम संतोष ने बताया है कि मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पूरे मामले की रिपोर्ट सौंप दी गई है। फिलहाल मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।